नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। और बात सबसे पहले पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत में कोयला डिपो बनाने पर लोग सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध कर नारेबाजी करने लगे। वहीं सांस लेने और इसी के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी हो रही बीमारियों से भयभीत लोग सैकड़ों की संख्या में बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। दरअसल कोयला डिपो बनाए जाने को लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्ष पहले भी स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध किया था। तब पूर्व भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ने DRM से कहकर कोयला डिपो को बरखेड़ा स्थानांतरित करा दिया था। तो वहीं अब फिर इसको बीसलपुर में कोयला डिपो ही बना दिया गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीसलपुर कोयला डिपो से कई चीनी मिलों को कोयला भेजा जाता है। कोयले की राख उड़कर बीसलपुर आबादी क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रही है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं। इसी को लेकर समस्त नगरवासी कोयला डिपो हटाए जाने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी करते हुए बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठ गए हैं। जब तक कोयला नहीं हटेगा, जब मैं आज सुबह सोकर उठा तो मेरे सीने में दर्द हो रहा था, बुखार था, सांस लेने में दिक्कत थी। अब बिल्कुल भी नहीं हटेंगे जब तक नहीं हटेगा कोयला डिपो। मारा सीधी सी बात, टेक योर रिस्पेक्ट विद गिव योर रिस्पेक्ट। अगर आप हमें इज्जत दोगे तभी हम आपको इज्जत देंगे, वरना आप सोचो कि हम दादागिरी में कोयला उतारने तो नहीं उतरने देंगे। कब तक बैठेंगे? हो गए 3 दिन बैठे हुए। 3 बार चांस दिया हमको, ठीक है, और 3 बार में कोयला नहीं हटा तो पूरे मोहल्ले वासियों ने प्रस्ताव पास किया कि सब लोग तो ज्यादा जानकारी के साथ प्रांजल गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रांजल का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रांजल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि काफी लंबे वक्त से हम मांग कर रहे हैं इसकी। 3 बार इससे पहले हम शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक निवारण नहीं हुआ है, क्या कह रहे हैं लोग? जी, साफ तौर से आपको बताना चाहिए कि जिस तरीके से कोयला डिपो की यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पर बीते 2 वर्ष पहले जो है जो यहाँ से जो पूर्व भाजपा विधायक थे रामशरण वर्मा, उनसे जब शिकायत की गई तब यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन अब पुनः जो है यहाँ पर कोयले का जो है यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, लोगों को इससे काफी दिक्कतें हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसकी लगातार पीछे कई दिनों से स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। लेकिन जब इनकी सुनवाई नहीं हुई, जब इनकी मांग पूरी नहीं की गई, तब ये लोग जो है धरने पर जो है बैठ गए और इनकी साफ तौर से मांग है कि जब तक ये कोयला यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, किसी ऐसी जगह पे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, तब तक ये यहाँ से अपना प्रदर्शन यहाँ से खत्म नहीं करेंगे, सीधी इनकी यही मांग है। जी बिल्कुल। लेकिन प्रांजल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वो बात 2 साल पहले की थी, उस वक्त समाधान किया जा चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शिकायतें वो कर रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं उनको, बीमारियों से ग्रसित वो हो रहे हैं, क्या अभी तक जो प्रदर्शन इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है उनसे बातचीत के लिए कोई पहुंचा है कि जो समस्या है उनको सही किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा? जी, जिस तरीके से आपको बताना चाहेंगे, स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायत है, हालांकि मामला जो है पूरे पूर्व 2 साल पूर्व का है, 2 साल पहले शिकायत पर समाधान कर दिया गया था, लेकिन पुनः यहाँ पर जो है स्टोर करना शुरू कर दिया गया। यहाँ से जो है चीनी मिलों को जो है कोयला यहाँ से सप्लाई किया जाता है, भारी मात्रा से यहाँ से कोयला जाता है, लेकिन जिस तरीके कोयला यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, उनकी साफ तौर से मांग है कि जिस तरीके से कोयले की जो राख होती है वो स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफी सारी दिक्कतें होती हैं, कई सारी गंभीर बीमारियां होती हैं, जिसको लेकर लगातार ये मांग पे मांग करते चले आ रहे हैं। 2 से 3 दिन से इनकी ये मांग जारी है और 3 दिन से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हो रही। कोई भी आला अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा, न इनकी इस पूरे मामले में कोई सूचना दी अभी तक। जी प्रांजल, जो कोयला डिपो है वहां पर आपकी किसी से बातचीत हुई है क्या? क्योंकि कोयला डिपो से ही लगातार जो समस्या है वो लोगों तक पहुंच रही है, वहां पर किसी से बातचीत करने की कोशिश की कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं, आप काम बंद करिए या फिर कोई जरिया निकालिए जिससे जो स्थानीय लोग हैं वहां जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो?
जी आप जो कि अब इस समय जो वहाँ पे जो बिशनपुर के जो विधायक हैं वो रामचरण वर्मा जी के जो पुत्र हैं विवेक वर्मा, वो यहाँ से स्थानीय विधायक हैं, उनसे लगातार इस पूरे मामले की अब शिकायत की जा रही है, लगातार उनसे संपर्क साधा जा रहा है, उनसे मिलने की बात की जा रही है, लेकिन वो चूंकि अभी हाल ही जो है अभी लखनऊ गए हुए थे, अभी उनसे कोई वार्तालाप नहीं हो पाई है, लेकिन समाधान करने का प्रयास यहाँ पर जो है लगातार किया जा रहा है। लेकिन उनकी सीधी मांग है जब तक यहाँ से ये कोयला का स्टोर जो है यहाँ से हटाया नहीं जा सकता तब तक वो उनका इस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, जिस तरह से हमारे संवाददाता प्रांजल हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रांजल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात अमेठी की करेंगे। अमेठी में मुसाफिर खाना नजारत कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आरोप है कि नायब नाजिर संजय बिना सुविधा शुल्क लिए आवेदनों का निस्तारण नहीं करते। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जमानत से संबंधित आवेदन के निस्तारण के लिए पीड़ित से नाजिर ने 300 रुपए मांगे, तो वहीं सुविधा शुल्क ना देने पर पीड़ित को 3 दिनों तक तहसील मुसाफिर खाने का चक्कर भी लगाना पड़ा। तो देखिए अमेठी से ये जानकारी, बिना शुल्क जब तक शुल्क नहीं दिया जाता, आपको बता दें आवेदनों का निस्तारण नहीं किया जाता है, लगातार इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। अमेठी से ये मामला, मुसाफिर खाना कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला साफ देखा जा सकता है। विक्रम भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुकुंडा करेंगे, जानकारी लेंगे। विक्रम, मुसाफिर खाना कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला साफ नजर आ रहा है, अब हम लोगों को भी देख रहे हैं जो वहां पर पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, पहले उनसे पैसे की वसूली की जाती है और उसके बाद उनका काम किया जाता है। विक्रम आवाज मिल पा रही है आपको? विक्रम सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए इस ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुसाफिर खाना कार्यालय में जब लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं तो वहां पर बैठे जो अफसर हैं वो पैसे की वसूली करते हैं लोगों से, और अगर उनको मना किया जाता है तो कामों को लटका भी दिया जाता है, चक्कर लगवाए जाते हैं बार बार कार्यालय के, जिससे लोग परेशान हो चुके हैं और अब शिकायतें की जा रही हैं। अमेठी से ये जानकारी। तो देखिए अब जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं वो लगातार अपना दर्द बयां कर रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जमानत से संबंधित आवेदन के निस्तारण के लिए पीड़ित से 300 रुपए की मांग की गई, तो वहीं सुविधा शुल्क ना देने पर पीड़ित को 3 दिनों तक तहसील मुसाफिर खाने के चक्कर भी लगवाए। तो देखिए, और आपको बता दें कि सिर्फ ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जो लोग यहां पर पहुंचते हैं उनसे पैसों की वसूली की जाती है। विक्रम भदौरिया एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधा विक्रम का करेंगे एक बार फिर से और जानकारी लेंगे। विक्रम, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, मुसाफिर खाना कार्यालय में लगातार भ्रष्टाचार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, कई मामले इससे पहले भी हम सुन चुके हैं यहाँ से, अब जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे देखिए पहले तो वसूली की जाती है और अगर लोगों की तरफ से मना किया जाता है अफसरों को तो चक्कर भी लगवाते हैं लोगों को। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी मुसाफिर खाना तहसील भ्रष्टाचार के लेकर के जानी जाती है। अमेठी में मुसाफिर खाना नजारत कार्यालय भ्रष्टाचार का लगातार बोलबाला है। नायब नाजिर संजय बिना शुल्क के आवेदन नहीं करते हैं निस्तारण, पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जमानत से संबंधित आवेदन निस्तारण है, पीड़ित नाजिर से मांगा था 300 रुपए, सुविधा शुल्क न देने पर पीड़ित को 3 दिन तक तलाते रहे जिम्मेदार अधिकारी। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है और कहीं न कहीं बिना सुविधा शुल्क लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त कमेटी कैसे हो पाएगी? विक्रम, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं नायब नाजिर संजय, उनसे बातचीत की कर पाए क्या आप? उनसे बातचीत हुई? क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस तरह की शिकायतें सामने निकल कर आ रही हैं, ये वाकई में कई सवाल खड़े करती है। जी बिल्कुल, बात करने का पूरा प्रयास किया गया लेकिन उस पर बात वो अब बात करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, इस पक्ष पे अपना कोई बयान नहीं जारी कर रहा है। विक्रम, क्या आपने उनके सीनियर से बात करने की कोशिश की?
जी बिल्कुल, सीनियर से बात की करने का प्रयास किया गया है तो जानकारी हुई कि एसडीएम महोदय समाधान दिवस में है, अभी बाद में बात हो पाएगी। चलिए ठीक है विक्रम, विक्रम बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, उन्होंने कहा कि जब नायब संजय से बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए पीड़ित लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं कार्यालय में पैसों की वसूली की जाती है, भ्रष्टाचार का मामला अमेठी से उजागर हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब रुख जालौन का करेंगे। जालौन में वाहन चोरी की घटनाओं में रोज रोज इजाफा हो रहा है और वाहन चोर अपना काम कर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। तो वहीं इस बार चोर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोरों ने चोरी करके वो वहां से भाग खड़े हुए, तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने यह बताया कि उसने रात को मोटरसाइकिल बाहर खड़ी की थी, जब वो सुबह उठा तो मोटरसाइकिल गायब थी। उसने काफी खोजबीन की लेकिन मोटरसाइकिल का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो देखिए जालौन से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात झांसी की करेंगे, जहां पर बिजली कर्मचारियों के हड़ताल का मामला सामने निकल कर आया है। वहां पर कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप है। झांसी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर आम लोगों पर भी अब पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं लोगों को दैनिक कार्यों के साथ व्यापारिक स्तर पर भी बिजली न आने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक और जहां बिजली कर्मचारियों ने व्यापक स्तर पर हड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं विद्युत आपूर्ति में अब गड़बड़ी आ चुकी है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है। तो कहीं कई दिनों से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ऐसा ही कुछ हाल झांसी जिले के अंतर्गत आने वाला मऊरानीपुर और रानीपुर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर कपड़ा बनाने का कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है, तो वहीं बिजली ना मिलने के चलते कपड़ा बनाने का कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग परेशान हैं, व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो दूसरे लोगों की मजदूरी कर कपड़ा बनाकर उससे अपना भरण पोषण भी करते हैं। तो वहीं बिजली ना मिलने के चलते बुनकर बेहद ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बुनकरों का कहना है कि अगर यही हालात रहे एक दो दिन तो उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख अगली जानकारी का करेंगे। बदायूं के फैजगंज क्षेत्र के वन रेंज में कंडक्टर से सवारियों का किराए को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि वहीं आरोप है कि बस ड्राइवर और कंडक्टर ने युवक को चलती बस से नीचे फेंक दिया, जिससे कि युवक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस ने युवक को वसौली अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसकी गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर उन्हें बदायूं से रेफर कर दिया। आरोप है कि ये प्राइवेट बस दिल्ली की है जो वजीरगंज थाना पुलिस की शह पर चल रही है। बस चालक बस में ठूस कर सवारी भरते हैं और सवारियों से मनमाने अवैध रूप से रुपए वसूल करते हैं। ये पूरा विवाद अवैध रूप से रुपए वसूलने से हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। झांसी में भी मौसम ने अपना रुख मोड़ लिया है। आपको बता दें कि झांसी के बबीना क्षेत्र में जमकर बारिश हुई और भारी बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े, तो वहीं ओलों की वर्षा से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, किसानों की फसलें बर्बाद के कगार पर हैं। तो देखिए झांसी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ बारिश से जो मौसम था, जब जो लोग गर्मी से परेशान थे उनके चेहरों पर तो मुस्कुराहट देखी गई, लेकिन दूसरी तरफ किसान जरूर परेशान नजर आए। दरअसल समस्या ये है कि खेतों में फसलें कटी हुई पड़ी हुई हैं किसानों की। अब किसानों की चिंता ये है कि अगर इसी तरह से लगातार बारिश होती रही, ओले होते रहे, पड़ते रहे, तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएगी। और वहीं सीतापुर में महिला क्षेत्र के ग्राम कुसेला का दबंगों द्वारा पंचम राठौर से विवाद हो रहा था। जानकारी मिलते ही पंचम राठौर की पत्नी अपने पति के बचाव में मौके पर पहुंची और तभी दबंगों ने पति पर गोली चला दी। महिला पति को बचाने के लिए पति के आगे आ गई, तो वहीं महिला की को भी गोली लग गई इस दौरान, जिससे कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
बढ़ते हैं आगे और अब बात फरुखाबाद की करेंगे। फरुखाबाद में मौसम में बदलाव हुआ, जहां आज बारिश के साथ सुबह की शुरुआत हुई। बारिश से गर्मी के बीच तापमान में गिरावट आई है, लेकिन वही बारिश की वजह से किसानों की तैयार हुई गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे कि किसानों के चेहरे पर मायूसी छा चुकी है। बता दें कि अगले दो दिन बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और वहीं उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई, जिससे कि चार घरों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, तो वहीं आरोप है कि 3 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। मामला हसनगंज तहसील क्षेत्र के कुसुम्भी गांव का है, जहां से तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, फरुखाबाद से तस्वीरें, जहां पर अचानक चार घरों में आग लग गई और आग इतनी बढ़ गई कि आसपास के जो घर थे वहां तक भी आग पहुंच गई। हालांकि लोग जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड को जब सूचित किया गया तो फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो मौके पर 3 घंटे लेट पहुंची, शायद पहले पहुंचती जो तो नुकसान जो हुआ है लोगों को वो कम होता। और वहीं बिजनौर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कुड़ी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के कोतवाली शहर का है, जहां पर मोहल्ला शांति नगर में नेता सतपाल सिंह, जो पहले बसपा सरकार में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन पर और उनके पुत्र पर देर शाम पास में ही रहने वाले दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पिता और पुत्र दोनों घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, तो वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर नूरपुर के सपा विधायक, कई कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे, तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट चुकी है। और वहीं फरुखाबाद में दबंगों के आगे कोतवाली नतमस्तक हो चुके हैं। जी हाँ, इसी कारण दबंगों के हौसले भी बुलंद हैं। दरअसल दुकान पर सौदा खरीदने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने दो महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही दबंगों ने दोनों महिलाओं को छत से फेंक दिया। दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने दोनों महिलाओं को गंभीर हालत में CSC कायमगंज भर्ती कराया। दोनों महिलाओं की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर उन्हें जिला अस्पताल लोहिया के लिए दोनों ही महिलाओं को रेफर कर दिया। आपको बता दें कि यह मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का है। तो देखिए, फरुखाबाद से ये जानकारी, जहां पर दबंगों के आगे जो लोग हैं वो नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात बिजनौर की करेंगे। बिजनौर में गुलदार ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि हमले में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुलदार से महिला की मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल है, तो वहीं जान जोखिम में डालकर सैकड़ों ग्रामीणों ने घंटों जंगल में गुलदार की छानबीन की। आपको बता दें कि ये मामला थाना नगीना के काजीवाला इलाके का है। और वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई है। रात से ही हो रही लगातार बारिश से जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की फसल पर इसका प्रभाव पड़ा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। लगातार हो रही बारिश से ठंड का एहसास हो गया है और लोगों ने एक बार फिर ऊनी कपड़े निकालने को लोग मजबूर हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। बारिश होने से मौसम तो सुहावना हो चुका है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं बारिश और तेज हवाओं से किसानों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। तेज हवा से सरसों और गेहूं की फसल गिर गई है, जिससे कि किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। मंगलौर से ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। अच्छी जो बारिश हो रही है, इसमें हमारा गेहूं की फसल गिर गई और सरसों की फसल गिर गई। हम किसान आदमी, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ। हमारे गेहूं की फसल और सरसों की फसल गिर गई बहुत ज़्यादा। ये मौसम ने एक अचानक करवट ले ली है। सभी लोगों ने अपने कपड़े भी गर्म उतार के रख दिए थे, अब दोबारा से फिर निकालने पड़ेंगे। मौसम एकदम सुहाना हो गया है। बारिश से फायदा भी है और बहुत नुकसान भी है। गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कम से कम 12 घंटे हो गए लगातार बारिश होती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
तो देखिए मंगलौर से ये जानकारी, जहां पर मौसम ने तो करवट ली, लोग खुश नजर आए कहीं ना कहीं, लेकिन किसान लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं। चिंता को बढ़ा दिया है इस बारिश ने किसानों की। दरअसल आपको बता दें कि जो खेत है उनमें सरसों और गेहूं की फसल तैयार खड़ी हुई है। अब जो किसान है उनकी परेशानी ये है कि अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और जो पैसा उनको मिलता है उनकी अच्छी फसलों का, वो मूल्य उन्हें नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि लगातार किसान परेशान हो रहे हैं। और देखिए मंगलौर ही नहीं, कई जगह है आपको बता दें कि जहां पर लगातार बारिश हो रही है। एक तरफ गर्मी से राहत लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ किसान लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।